थँक यू सुनून दाखवतो ना मला माहिती किती मीच आहे रे यार तू मला व्हिडिओ पाठवली नाही पण मी फोटो पाठवला तुला लिंक पाठवली होती मी लक्षात ठेव आणि व्हिडिओ मी नाही यहाँ पे सर नीचे नीचे मैम यहाँ पे चलो चलो मैडम जी एक मिनट होल्ड कीजिए इधर देखिए ये
अन्ना क्या कर रहे अन्ना ये क्या बोल रहा या वेरी नाइस सब लोग पीछे ए लाइट बंद कर लाइट 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 ए लाइट बंद कर व्हाइट लाइट बंद लाइट बंद कर लाइट बंद करो सर यहां पे मनोज जी और मैडम यहां पे देखिए अभी यहां पे सर यहां पे सामने सर यहां पे सर अभी सामने एकदम सामने मैम सर संजीव जी बड़े पर्दे पर ट्रेलर पहली बार कैसा लग रहा है आज बहुत ही अच्छा संजीव जी आप भी दिल्ली के ही हैं और दिल्ली में एक ऐसा मतलब अनोखा ऐसा अजूबा दिल्ली खुद एक शहर है जहाँ पे खूब सारे शहर एक साथ आ जाएं पर पुरानी दिल्ली क्यों कहानी बताने के लिए पुरानी दिल्ली के अंदर मैं पैदा हुआ था क्या पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ वहीं पे पला बड़ा 12वीं क्लास तक इस दरमियान इस सारे 18 सालों के दरमियान मैंने ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे जिनको देख के मैं सिर्फ देखता ही रह जाता था कि इनका दिमाग कैसे चलता है इनकी भाषा कैसी है और ये सोचते कैसे हैं ये अपनी लाइफ में हर मूव को करते कैसे हैं वहीं से और उस कहानी के लिए उस कहानी के साथ सच्चा होने के लिए पुरानी दिल्ली से बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती थी क्योंकि यही मैंने जाना था वहाँ पर और इन सारे कैरेक्टर्स में से ऑटोबायोग्राफिकल कौन सा है सबसे ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल सोना तो चलिए धीरे धीरे करके आपके कैरेक्टर से मुलाकात हो जाए मीडिया वालों से सबसे मुलाकात कराते हैं सबसे पहले आई'd लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर मनोज बाजपाई मनोज जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर आपके किरदार का नाम है पप्पी पर पप्पी इतने गुस्से में है वो किसी को पप्पी तो देने नहीं वाला तो क्यों इतना हैरान परेशान है बेचारा पप्पी नहीं उसकी एक लव स्टोरी है और काफी डेस्परेट सा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करे लेकिन बीच में जो है हवलदार वो जो तेजपाल है वो पनौती बना हुआ है जिसके कारण उसको ये काम को अंजाम देना है और बाकी सारे के सारे जो चक्के हैं उसको लाइटली ले रहे हैं क्योंकि उनका कुछ भी स्टेक पे नहीं है लेकिन इसके लिए इसकी लड़की स्टेक पे है तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है काफ़ी और किसी का दिमाग उसके जैसे चल नहीं रहा है सिंक में मिलता नहीं है जिसके कारण उसे फ्रस्ट्रेशन होती है तो ये पप्पी गैंग लीडर है गैंग लीडर तो अब वो कहता है लेकिन तीन ही लोगों का है उधर उसका दूसरी तरफ का गैंग का वो जग्गी आ जाता है जो अपनी माँ बहन करा रहा होता है वहाँ पे तो सर ये जो आपकी पनौती है उनको भी बुला लेते हैं अब मीडिया से रूबरू कराते हैं मिस्टर के मेनन के सर गुड इवनिंग सर दिल्ली वालों से यहाँ पर मुंबई में बैठे लोगों को भी बड़ा खौफ होता है कि बड़े कड़क होते हैं दिल्ली के पुलिस वाले तो ये जो तेजपाल है ये कड़क के साथ साथ काफी टेढ़ा भी है पागल सा आदमी है प्यार में है प्यार में पागल है तो तेजपाल आप का किरदार जो है पप्पी के लिए सबसे बड़ी पनौती है जैसा ट्रेलर में भी उन्होंने कहा आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है इस पूरे फिल्म में मेरा स्कूटर व्हाई इज दैट स्टार्ट नहीं होता था उसको स्टार्ट करने के लिए हमेशा जो उसके आसपास कैरेक्टर होता है वो उसमें किक लगाता है उसको पुश करता है तब जाके वो स्कूटर चालू होता है फैबुलस ऑलराइट अभी एक और कैरेक्टर द वन आई एम मोस्ट इंट्रिग्ड अबाउट इन दिस फिल्म कैन आई हैव अप ऑन स्टेज नमस्ते नमस्ते विजय जी जग्गी जो किरदार है इफ आई हैव रेड हिम राइट उसको किसी का खौफ नहीं है ना नर नारी का ना ऊपर वाले का तो जग्गी के बारे में प्लीज हमें कुछ बताएं मीडिया को इस पिक्चर में सबसे शरीफ कोई आदमी है अगर वो जग्गी है नाम उसका जग्गी तिरछा है वो शायद मेरे को देख के इसने क्योंकि मैं टेढ़ा चलता हूँ बट बहुत सीधे सीधे काम करता है बेचारा बड़ा ही निहायत शरीफ आदमी लेकिन समय का मारा हुआ है बेचारा और कुछ जग्गी की फिल्म में कोई भी चाल जो है सीधी नहीं है वो शतरंज के घोड़े के जैसा ढाई घर पता नहीं कहाँ से आता है सो ये है जग्गी तिरछा फिल्म के हमारी 7 महीने जो है इस ये फिल्म सेंसर में इधर से उधर घूमती रही उसका सबसे बड़ा कारण जो था जग्गी था क्योंकि मैं
मैं ये मान सकता हूँ. मैं ये मान सकता हूँ. All right, and now I would like to call upon stage Apar Shakti Khurana. Apar? Yeah. Mr. Khurana, अगर आपको real life में कोई जानता है पहचानता है तो सबको मालूम है कि आप एक निहायत ही polite और प्यारे किस्म के हमेशा खिलखिलाते रहते हैं इंसान. I try to be. तो ये खप्पे का किरदार आप how did you become खप्पे for सात उचक्के? जो आपने politeness की बात करी ना, जो मैं first day shoot पे पहुंचा तो workshop वगैरह हो चुकी, सब कुछ सब एक दूसरे को जान चुके थे, तो मैं enter किया तो हगू एक और कैरेक्टर जो भी पहुंचा नहीं है, मैं व्हाट्सअप हग्स मनोज सर उसका ये कैरेक्टर में नहीं लड़का है, अभी जीके नहीं बाहर निकला है इसमें से, अभी ये साउथ अभी भी साउथ ही व्हाट्सअप कर रहा है. उसके नेक्स्ट डे से सॉरी टू से मतलब सीधा ओ बैक क्या हाल है बहनशोद क्या हाल है हग्गू. इट वाज दैट यू नो कट टू दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट. हां पोलाइट अपार शक्ति यहां से नॉट सो पोलाइट हो गया इसके बाद से. वेरी एक्साइटिंग है. वेरी फिल्म की शूटिंग के दरमियान अगर कोई भी डल मोमेंट आता था तो ये अपार शक्ति खुराना थे जो कि एक गिटार लेके बैठ जाते थे और गाना गाते थे और सबको बहुत खुश और एंटरटेन रखते थे. थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी सर. सर अपार शक्ति खुराना के रेडियो के दिनों में हम बोला करते थे कि इनको माइक की जरूरत नहीं है, ये बिना माइक के ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ऐसी इतनी बुलंद आवाज है इस लड़के की. क्या बात है. थैंक यू सो मच. नाउ इन दिस एंटायर स्टार कास्ट द ओनली वुमन होल्डिंग हर ओन Aditi, good evening. Good evening. Very nervous? Yeah, kind of. आप लखनऊ की हैं. जी. और लखनऊ के लोग तो बहुत ही तमीज़दार ऐसा सुना है होते हैं. तो ये सोना जो घिया लौकी लेकर सब्जी वालों को हड़काती है भरे बाजार में, सोना के बारे में हमें बताएं. सोना जो है एक्चुअली जब संजीव सर ने मुझे बताया था मुझे ये सोना, जब मैंने ऑडिशन किया था मुझे लगता था सोना बहुत अलग है मुझसे. शी इज़ गॉना बी अ चैलेंज फॉर मी. और मुझे लगा कि मुझे मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, कितना चैलेंजिंग है. पर फिल्म करते करते फिल्म के दरमियान मुझे लगा रही तो मेरे जैसे ही है. सो आई कम्प्लीटली रिलेट टू हर नाउ. एंड बहुत ही बहुत स्मार्ट लड़की है, अपने आप को बहुत सुंदर और सेक्सी समझती है और अपनी सेक्सुअलिटी को यूज़ करना आता है उसे. और पप्पी से प्यार करती है और वो भी चाहती है कि वो कुछ पैसे कमाए और कुछ होए लाइफ में. और तेजपाल को बेवकूफ बनाती है. और तेजपाल को बेवकूफ बनाती है. घर पे हलवा खिलाने के लिए बुलाते हो और तुम्हारी मम्मी जो है उनको बाहर से ही टरका देती है. फैंटास्टिक. संजीव जी अपनी बाकी की स्टार कास्ट से भी प्लीज रूबरू कराएं मीडिया को. हाँ सो ये अजी फोड़ू हैं कैरेक्टर हमारे. आइए विपुल बेग. सो विपुल विग जहाँ पे एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये एक बहुत अच्छे राइट्स का सीक्वल भी लिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इंटरेस्टिंग इंसान है ये. या सो थैंक यू संजीव भाई. कुछ आप बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? पहली बार संजू भाई ने मुझे स्क्रिप्ट दी थी तो एक तरफ मेरी मॉम सोई थी एक बेडरूम में, दूसरी तरफ मेरी वाइफ सोई थी. मैंने पहला पेज पढ़ा और फिर उन्होंने बोला कि यार 11 बज गए हैं रात के और लाइट बंद कर दीजिए. मैंने स्क्रिप्ट उठाई और किचन में चला गया और 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक मैंने एक भी पलक झपके बिना मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी. वो इतनी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट थी. मैंने संजू भाई को बोला कि संजू भाई ये स्क्रिप्ट जो है ना ये उतरी है, ये लिखी नहीं गई, ये उतरी है, ये कहीं से आई है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो ये एक जादू है स्क्रिप्ट का और वो बाकी आपने देख लिया ट्रेलर में. थैंक यू. बाकी का जादू आप फिल्म में देखेंगे. थैंक यू. इतने ही ना. अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू. या बब्बे टशनी जतिन सरना ये बूट लेगर हैं. ये रेड फोर्ट के बाहर जो हैं फिरंगियों को पागल बना बना के अपना सामान बेचते हैं. ठीक है. सो बब्बे आप बताइए आपको मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताइए. एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा और मैंने ऐसे लोगों को देखा है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो जनपथ लाल किला इन साइड्स में मैंने बहुत ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया हुआ था तो वो बड़ा इत्तफाक रहा कि वैसा रोल मुझे करने को भी मिला. और टशनी है और बेचारा लेकिन पैसे वैसे नहीं है उसके पास और सबसे फट्टू है तो वो इन सब के खेल में अपना एक उल्लू सीधा करना चाहता है तो उस तरह का एक कैरेक्टर है वो. और जो सक्सेसफुल हो पाता है नहीं हो पाता है वो आप फिल्म में पूरा देख पाएंगे उसे. संजीव जी आपकी स्टार कास्ट में आज दो एक्टर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, अनु जी और अनुपम जी. तो प्लीज उनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ मीडिया को बताएं.
एक सात उचक्कों के अंदर में हग्गू और हैं जो अभी तक पहुंचे नहीं हैं, उनकी फ्लाइट जो है लेट हो गई थी और वो सोच रहे थे कि खुद से ही उड़ाना शुरू कर देंगे. सो लेट्स सी. सो अनु कपूर जी जो हैं इस फिल्म के अंदर में, आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सरप्राइज करने वाले बिच्ची. हैं बिच्ची उनका कैरेक्टर है. सो उनके कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक ट्विस्ट है. Yeah, so वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ही हैज़ परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली. सो और उनके अलावा अनुपम खेर साहब, या सो उनका जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी पिविटल है इस फिल्म के लिए. सो वो दीवान साहब हैं जिनकी हवेली के अंदर में ऐसा माना जाता है कि लाल किले से खजाना जो है लाके रखा गया था और वो अभी भी उनकी हवेली में है. और ये महाशय जो हैं पप्पी जाट वाला, ठीक है, ये बिच्ची के कुछ कथन के ऊपर जो है 2+2=4 करके डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ खजाना है और वो अंदर घुस जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे जो अंदर होता है वो ट्रूली एक मैजिकल रियलिज्म का एग्जाम्पल है. सो वो सब आप फिल्म में देखेंगे ही. या सो अनुपम खेर जी ने भी बहुत ही सुंदर काम किया है एंड इज बीन लाइक वंडरफुल ऑल थ्रू आउट. A huge round of applause for the entire cast of Saat Uchakkey standing right here. And isse pehle ki hum photos ke liye aamantrit kare hamare media wale bhai ko, let's meet the producers of the film, everybody who's put their weight behind Saat Uchakkey. So I'd like to call up on stage from Friday Filmworks if Mr. Neeraj Pandey is present here. He's not here yet. Also from Friday Filmworks, Sheeta. Joining him, I'd like to call up filmmaker, CEO of Wave Cinemas, Mr. Rahul Mitra. Rahul ji, please. Hi Rahul. Rajneesh Khanuja, agar wo aaye hain, abhi nahi pahunche hain. And from Crouching Tiger, of course, Mr. Vikram Malhotra. Welcome. Rahul ji, because you're standing nearest to me right now, main aapse ye sawal pooch leti hoon. Saat Uchakkey mein, movie mein, script mein, aur puri star cast, everything. What was it about the film ki aapne decide kiya ki pura apna weight lagaya jaye Saat Uchakkey ke piche, Wave Cinemas ka? Jaise aap dekh rahe hain, mera kaafi weight hai. And it helps to throw at times also. Anyway, aapne mera khayal keh hi diya hai, you know, such a stellar cast. Yeah. This quirky world of Saat Uchakkey aur itna hi content driven cinema jisko hum bhi chahte hain ke Vikram sir idhar aaiye. So I think content aajkal content aur box office ki jo marriage hai usi ke liye hum kuch प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो सब कोशिश कर रहे हैं. और हमें मालूम था कि इस तरह की फिल्म ऑडियंसेस बहुत पसंद करेगी, उनको अच्छा लगेगा और इसीलिए वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म. सेंसर बोर्ड का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले. सेंसर बोर्ड को ये बताया गया कि ये जो ज़ुबान है ये उन किरदारों की ज़बान है. सो आई थिंक when they understood that, they were very very supportive, and I like to say on record that censor board and tribunal, we were very very supportive about the film. And each one of the people are going to enjoy this film. Aap sab log jaake dekhein and hum yahi aasha karte hain. Thank you so much. Sanjeev ji, ek sawal aapke liye producers ke liye ki ye aisi film jo शुरुआत में शायद आपको लगा होगा कहीं ना कहीं कि इस पे आपत्ति करेगा सेंसर बोर्ड या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोड्यूसर्स के पास ले जाते हुए इस फिल्म को या प्रोड्यूसर्स से मुलाकात करते हुए उनको अपनी फिल्म तक लाते हुए, कितने क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही नेचुरल कोर्स के अंदर में अपना सब कुछ गया. नीरज पांडे जो हैं वो बहुत ही प्रिय मित्र हैं. सो उनको जाके मैंने वो स्क्रिप्ट दिखाई. सो शीतल और नीरज ने वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बोला कि इसको हम बनाएंगे. या सो कोई हेजिटेशन उसमें नहीं था. एंड फिर उसके बाद वेव सिनेमास की तरफ से भी किसी भी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं आया और वो एकदम पूरे फ्लो के साथ सारा काम आगे गया. या सो ऑल ऑफ देम हैव बीन लाइक वेरी वेरी सपोर्टिव एंड विक्रम आई कांट से इनफ फॉर हिम. सो इन अ गुड वे. या एंड सेंसर के बारे में जो राहुल ने जो बताया, एक बहुत ही सुंदर बात है. मैंने सेंसर के बारे में सुना था कि वहाँ पे जल्लाद लोग बैठते हैं, सब कुछ ऐसा सुन के मैं गया था, बट द एक्सपीरियंस वॉज सो गुड. लाइक CBFC के अंदर में उन लोगों ने फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद जब हमको अंदर बुलाया तो उन्होंने पहले ही सेकंड में बोला कि इस फिल्म को हम सर्टिफाई नहीं कर सकते,
उसके रीजंस ये हैं जो कि हमको समझ में आए, मैं और विक्रम वहाँ पे थे। उसके बाद 15 मिनट तक उन लोगों ने फिल्म की तारीफें की, फिल्म के सारी परफॉर्मेंसेस की, एक्टर्स की, सारे फिल्म के एलिमेंट्स की। और FCAT के अंदर में भी यही रहा कि उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने बोला कि इस फिल्म को हम रोकना नहीं चाहते हैं, आप अपने आप से वॉलेंटरी इसके अंदर में मॉडिफिकेशन करके लाइए। सो आप ये समझ लीजिए कि उन लोगों ने अपना वहाँ पे कुछ चलाया ही नहीं, हम पे सब छोड़ दिया, फिर हम करके लेके गए एंड दे एक्सेप्टेड इट। आई थिंक आई'ड आल्सो लाइक टू ऐड हियर दैट देयर इज नथिंग व्हिच इज डेरोगेटरी इन द फिल्म, एवरीथिंग इज वो कॉन्टेक्स्ट के साथ है। ये सात उचक्के हैं, इनकी वो दुनिया है, इनकी जुबान है और लोग इसको बहुत सराहेंगे। Fabulous. और ये जो बाहर दिल्ली का माहौल जो पूरा सजा हुआ है बाहर चाट पकौड़ियों के साथ, उसके लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं हमारे पार्टनर्स श्रीनाथ जी को। यस मैम, हम अभी करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल भाई, अरे ऐसे कैसे, तो थैंक यू बोल दो श्रीनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेटिंग अप दैट होल दिल्ली एटमोसफेयर आउटसाइड फॉर अस। एंड नाउ वी आर ओपनिंग द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कैन वी हैव अ माइक गोइंग अराउंड? मनोज जी यहाँ पे, मनोज जी नमस्ते, सबको नमस्ते। मनोज जी आपसे ही मैं पहला सवाल, मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से भी करना चाहूँगी, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे रोल्स आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सालों पहले बैंडिट क्वीन आई थी, वो फिल्म भी एक बहुत ही बोल्ड फिल्म थी, एक सच्ची कहानी पर थी, बहुत कुछ था। उस वक्त से लेकर अब तक, जैसे अभी आपने कहा कि 7 महीने ये फिल्म सेंसर बोर्ड के, उसमें थोड़ी इनके कैरेक्टर की वजह से थोड़ा सा उसको तकलीफ हुई है, तो आपने इतने बीते सालों में सेंसर बोर्ड का जो एटीट्यूड है उसमें आपने क्या फ़र्क देखा है बैंडिट क्वीन से लेकर के 7 उचक्के तक? मुझे, जबकि मैं हमेशा ये मेंटेन करता रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड चाहे वो कोई भी आए कोई भी जाए, सेंसर बोर्ड अपना काम करता है अपने जो उनके गाइडलाइंस होते हैं उसके हिसाब से, उसमें कभी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए मैंने कभी व्यक्ति के बारे में आज तक बात नहीं की। मेरा मसला हमेशा दूसरा रहा है कि क्या सेंसर बोर्ड सर्टिफाई करे या सेंसर बोर्ड हमें क्लासिफाई करे, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो जो श्याम बेनेगल जी का रिकमेंडेशन है, आई रियली होप कि यू नो जितनी जल्दी हो सके उसको लागू किया जाए, सो दैट जो फिल्म मेकर्स और जो सेंसर बोर्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट लगातार कई सालों से हो रहा है, चाहे वो जो बैंडिट क्वीन का नाम ले रही हैं आप या हाल फिलहाल तक, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा जब तक हम मॉडर्नाइज नहीं करेंगे रिकमेंडेशंस को, रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, उसको आज के हिसाब से नहीं रखेंगे, तब तक फिल्म मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच में चाहे वो कोई भी आए, वो आदमी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब तक सेंसर बोर्ड का रोल आप डिटरमिन नहीं करेंगे और रिकमेंडेशंस नए मॉडर्न तरीके से नहीं लेके आएंगे, तब तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। लकली जैसा कि राहुल ने कहा या विक्रम ने कहा और संजीव ने कहा, विद दिस फिल्म, दिस काइंड ऑफ अ फिल्म, जहाँ पर हम चाहते थे कि लैंग्वेज उसी तरीके की हो जिस तरीके के कैरेक्टर्स हैं और जिस तरीके की जगह है और जो हालात हैं, और उसके हिसाब से अगर आप देखिए तो हमें एक फॉर अस इट वाज अ केक वॉक, हमें उस तरीके से परेशानी कभी नहीं झेलनी पड़ी, हमारे ऊपर छोड़ा गया था, तो जब हमारे ऊपर ट्रिब्यूनल ने छोड़ा था तो जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई थी कि हम ट्रिब्यूनल को नाराज़ नहीं करें या ट्रिब्यूनल को हम डिससैटिस्फाई नहीं करें, लेट्स बी आर ओन जज एंड फिल्म को हम उस तरीके से देखें कि हम फिल्म में और क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल ने अगर ये जिम्मेदारी दी है, तो इसको लेकर के समय लगा है। एज फार एज जिसे कहें कि चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट कर दी गई और हम मर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इट वॉज़ अ जर्नी दैट टुक टाइम ओनली बिकॉज ऑफ़ द डायरेक्टर्स ओन क्रिएटिव कॉल, नहीं तो बाकी सब चीज़ें काफ़ी आसान थी। प्रोड्यूसर साहब से भी मैं पूछना चाहूँगी सर, जैसे आपने कहा कि आप पर उन्होंने छोड़ा, आप पर निर्भर उन्होंने रहने दिया कि आप उसमें से क्या रखें, तो एक पिछले दिनों बहुत सारा मीडिया और सारी सबको पता है कि बहुत सारी फिल्मों को लेकर के बहुत ज़बरदस्त विवाद हुए हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी सर, आपने क्या कट्स थे जो आपने नहीं रखे
आपने जैसे अपनी फिल्म को उनको जो उस पर आपत्ति नहीं हुई, वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने फिर काट दी और आपकी फिल्म भी मतलब उस पर उसका कुछ असर नहीं पड़ा? मैं चाहूँगा विक्रम और संजीव, जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया जिनको लेके विवाद हुए थे पिछले कुछ महीनों में, सही या गलत, उनके जो मुद्दे थे वो मुद्दे हमारी फिल्म में मौजूद नहीं थे। हमारी फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो हमारे को सजेशंस दिए वो बाय एंड लार्ज लैंग्वेज को लेकर थे, और उनकी आपत्ति भी लैंग्वेज को लेकर थी, जो हमने वॉलंटरीली अपने ऊपर ये दायित्व लेते हुए कि उस भाषा को डाइल्यूट कर दें। डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट वर्ड आप मुझसे सुनना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा नहीं, नहीं तो उस भाषा को उस हिसाब से ट्वीक करें कि हर वाक्य का, हर डायलॉग का, हर कैरेक्टर का जो महत्व और मतलब है वो रह जाए, लेकिन साथ में जो कंप्लायंस है कि आज ये देखना पड़ता है गालियाँ जो हैं वो सिर्फ गालियों के तौर पर नहीं है, वो ऑफेंसिव ना हो जाएं, किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, संगठन के खिलाफ ना हो जाएं, ये सब देखते हुए उसको ट्वीक किया गया था। लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि इतने सपोर्टिव थे हमारे को ट्रिब्यूनल में, जब दूसरी बार और फाइनल बार हम लोग गए वो वॉलंटरी कट्स उन्होंने सराहे और इमीडिएटली सर्टिफिकेट इशू। सर कितने कट्स थे हमारी फिल्म में? टोटली 176 डिस्कशंस थे, जिसमें से 60% अलाउ हुए हैं और रेस्ट हमने खुद से कट्स लेकर मॉडिफाई किया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक भी जगह ना बीप हुआ ना म्यूट हुआ। फुल क्रेडिट टू संजू कि किस तरीके से इन्होंने वो लैंग्वेज को रिप्लेस किया और सब कुछ रिटेन किया। थैंक यू सर, वेलकम। मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशंस, नो कट्स। क्वेश्चंस? मनुष्य, मनुष्य प्रभात एएनआई से। सर नितिन भसीन जिन्होंने हग्गू का किरदार फिल्म में बनाया है, ये फिल्म के अंदर में लॉकस्मिथ थे। हाँ, सब तरीके की चाबियाँ ये बनाते हैं, और जिस तरीके की भी चाबी हमारे उचक्कू को चाहिए थी उन्होंने बना के दी। सो आज प्लेन की भी बनानी पड़ी। सो हम आपके ऊपर लौट के आते हैं। अच्छा नहीं, आप बोलेंगे? सर जब बात आपकी आती है अभिनेता के तौर पे, आपको याद किया जाता है सत्या और सूल जैसी फिल्मों के लिए, तो कॉमेडी जो जॉनर होता है उसमें आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो कितना डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग होता है, और माना जाता है कि कॉमेडी करना सबसे मुश्किल होता है, आप कितना? पता नहीं किसके लिए कॉमेडी करना, सीरियस रोल करना आसान होता है और कॉमेडी करना मुश्किल होता है। मेरे लिए एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, वो चाहे एक्टिंग चाहे किसी भी जॉनर में हो, और मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये। वो जॉनर चाहे अलग हो सकते हैं, मेहनत उसी तरीके की लगती है, दिमाग उसी तरीके का लगता है, परेशानी उसी तरीके की होती है, और जब अच्छा काम होता है तो खुशी उसी तरीके की मिलती है। अब इसको इन्जॉय किया हमने, ये कहें कि इसके लिए कैरेक्टराइजेशन नहीं करना पड़ता है या आप सेट पे जाते हैं और जैसे ही डायलॉग मिलता है आप शुरू हो जाते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं। चाहे वो के हो, चाहे मैं हूँ, चाहे विजय, हम सब लोग जो हैं कितने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक्टर ये नहीं कह सकता कि कोई एक जॉनर जो है वो आसान है और दूसरा जो है उससे कम है। और जो भी लोग किसी भी जॉनर में ज़्यादा अच्छा करते हैं ये उनको पूरी उनकी सराहना करनी चाहिए। इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि हम मेरे लिए, मैं दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली में थिएटर करता था, लेकिन पुरानी दिल्ली इतना आना जाना होता नहीं था, लेकिन जो भी सुना था या थोड़ा बहुत जो देखा था या जो जा कर के वहाँ पर फिल्म के पहले जा कर के देखा या संजू से जो चीज़ें ली, जो बाकी विजय वगैरह को देखता था, क्योंकि विजय तो वहाँ पैदाइश है, तो विजय वगैरह से भी काफ़ी, या फग्गू हुआ, जतिन हुआ, इन सब लोगों से जो चीज़ें देखता था उसको आप ऑब्जर्व करते रहिए। एक्टर्स फीड ऑफ ईच अदर, तो वो चीज़ें सीखना फिर उसको वहीं पर करना, तो माइंड को बहुत अलर्ट रखना पड़ता है, चाहे आप किसी भी तरीके की फिल्म कर रहे हैं, कॉमेडी हो, सीरियस हो, चाहे आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर कर रहे हैं, उसमें दिमाग तो लगता है, मेहनत भी लगती है।
बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं आई, क्योंकि ये सब के सब लोग जो हैं इतने 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 प्रोफेशनल लोग हैं, एंड ऑल ऑफ देम वर लाइक फुली देयर, और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। विजय कह रहा है कि पुलिस का भी बंदोबस्त था वहाँ पे। सर मेरा सवाल यही है कि आपने इन सात उच्चकों को यहाँ पर, सर ट्रेलर बहुत अच्छी है, पता नहीं पिक्चर कैसे होगा। बहुत अच्छा होगा। तो ये मेरा प्रश्न है कि आप सात उच्चकों को कैसे हैंडल किया एक ही साथ में इस मूवी में? जैसे कि मैंने बताया कि किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आई, जब चीज़ें अपने ही डायनेमिक्स में अपने आप चलती हैं सो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सो मेरे जो सारे एक्टर्स को जो एक डायरेक्टिव था ये कि हम कॉमेडी फिल्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर मेकिंग अ सीरियस फिल्म, सो यू गॉट टू बी लाइक ट्रूथफुल टू योर कैरेक्टर। सो उसके बाद जो अपने उसके डायनेमिक्स चले हैं तो कोई फिल्म का सीन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगी। सो सारी की सारी फिल्म जो है इम्प्रोवाइज फिल्म है जो कि आप देखेंगे। सो तकलीफ किसी भी तरीके की नहीं रही। द फ्लो ऑफ द मूवी वाज कंटीन्यूअस, ऐसे कहीं नहीं लग रहा कि टेक रीटेक ऐसा है। सो ऐसा कोई भी इंसिडेंट बताइए आपको रीटेक पे रीटेक करना पड़ा ऐसे इन सातों में से? इन सातों में से रीटेक पे रीटेक करना पड़ा उस एक शॉट के लिए? एक शॉट के लिए, एक वो टेक्निकली एक शॉट ऐसा था जहाँ पे हमको काफ़ी रीटेक करने पड़े, जहाँ पे अल्टू नाम के किरदार हैं जो कि अपने कुत्ते के साथ में घूमते रहते हैं, और उन्हें जग्गी से जो है कुछ पैसे लेने हैं। जग्गी ने उनके साथ कुछ स्कैम किया था, सो वो फिल्म में वो पैसे मांगते हुए ही दिखाई देते हैं। सो एक सीन था ऐसा जहाँ पे ये छत पे चढ़ रहे हैं, और वो बहुत ही संकरी गली थी, और उस संकरी गली के अंदर में वो ये जग्गी का कैरेक्टर जो है आगे आ रहा है, वो पीछे से उसको फॉलो करता हुआ आता है कि तू मेरे पैसे कब देगा। सो दैट वाज द टेक्निकल शॉट जहाँ पे हमारे कम से कम नहीं तो 15-16 रीटेक हुए, अदरवाइज इट वाज लाइक द फिल्म वाज फ्लोइंग ऑन इट्स ओन द एंटायर शूटिंग। या सॉरी, बाकी मतलब कोई कैरेक्टर कोई एक्टर इस बारे में कुछ बोलना चाहे? सर जी जी सर, मेरा नाम है सुरेश मेहता, बॉलीवुड वेब टीवी यूएसए से जी। मेरा ये क्वेश्चन है, आपकी ये फिल्म ट्रेलर देख के कॉमेडी तो है, हंसाएंगे लोगों को, लेकिन इस फिल्म के द्वारा मनोज जी ने आपने और पूरी टीम को आपको बधाई है, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू थैंक यू। लेकिन इससे क्या मैसेज है इस फिल्म से? इस फिल्म के अंदर जो मैसेज है वो आपको फिल्म देख के मिलेगा। फिल्म के अंदर में एक बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल और एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज भी है, वो आपको फिल्म देख के मिलेगा। सो वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसे। ओके सर। सो अपने इस सारे एंटरटेनमेंट क्वेश्चन के अलावा फिल्म जो है अपने फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो आप महसूस करेंगे जब फिल्म देखेंगे। मैम हैज अ क्वेश्चन राइट इन फ्रंट, वी आर गोना टेक द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस नाउ। मनोज जी से लास्ट फ्यू क्वेश्चंस नाउ। मैम हैज अ क्वेश्चन राइट इन द फ्रंट रो। सर मेरा सवाल आपसे, उच्चका शब्द आपने कहां से लिया? ये जनरली भोजपुरी अवधि में ये पुरानी दिल्ली की फिल्म है, पुरानी दिल्ली के अंदर में बहुत ही ज्यादा लोकल पार्ला में इसको बोला जाता है, चोर उचक्के जो होते हैं। सो चोर जो हैं वो थोड़े सीरियस होते हैं, उचक्के जो है वो पेटी थीव्स होते हैं, ठीक है, थोड़े कम सीरियस चोर होते हैं। सर बेवकूफ बोल दीजिए। हाँ, थोड़े से बेवकूफ चोर होते हैं। या ओके, समवन हैड अ क्वेश्चन देयर। सर आप बोल दीजिए, खड़े होकर बोल दीजिए, प्लीज गो राइट अहेड। यार ये मेरे ख्याल से सिनेमा के इतिहास में हिंदुस्तान में बाहर नहीं अब तक की पुरानी दिल्ली में कोई फिल्म जो सेट की गई है ये सबसे ऑथेंटिक फिल्म है अब तक के इतिहास में। मतलब ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है जो
इसका बैकड्रॉप पुरानी दिल्ली हो, मतलब बनी ही नहीं है। अगर कोई मुझे दिखा दे तो मैं देखूंगा, है ना। तो ये वजह थी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मतलब जितना आनंद जो आया है कि मतलब वही वाली बात है कि देख के देख तो मजा आएगा, मतलब खतरनाक वाला, मतलब ना खतरनाक वाला मजा आएगा। तो यही वजह है कि मैं जुड़ गया। थैंक यू। कम फिल्में हैं जो मैं एंजॉय करता हूँ, मैं बड़ा मुँह फट हूँ इस मामले में। 80% फिल्में मैं एंजॉय नहीं करता हूँ जो मैं काम करता हूँ, और कुछ फिल्में हैं जिसको मैं सराहता हूँ, जिसको मैं जीता हूँ, उनमें से एक की एक फिल्म है। तो हम चाह रहे थे कि कोई ना कोई हंसाए यार कोशिश इसी बात की थी, अगर विजय कर रहा था तो हमारे लिए जो है और अच्छी बात थी। कहते हैं कि फिल्म में कोमल नाटा साहब यहाँ बैठे हैं, और ये जो है मुंबई इंडस्ट्री में मैं सुनता आ रहा हूँ कि अगर पुरानी कहावत है कि अगर 10 क्लैप ट्रैप है ना, तो फिर आप फिल्म को चलने से कोई रोक नहीं सकता है। सट है एक मनोज भाई, एक चीज और होती है ना कि जब लोग बैठे हैं, सारे दोस्त लोग हैं, किसी एक ने चुटकुला सुनाया, सब लोग हंसे, तो बाकी लोग उससे ईर्ष्या थोड़ी करते हैं कैसे करेंगे। नहीं, दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात क्या है कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई मस्ट से कि जो एक्टर्स होते हैं ना, वो बड़े सेल्फिश टाइप के होते हैं, वो सेल्फिशली एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। तो भले ही वो बताए नहीं, लेकिन चूंकि हम लोग कुछ अलग एजुकेशन से आते हैं, अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो यहाँ पे बता के भी हम सीख लेते हैं कि चाहे विजय राज हो, चाहे केके हो, या फिर जो ये जितने सारे अदिति और अपार शक्ति, जतिन, विपुल और ये नितिन, हम लोग लगातार जो है ना एक दूसरे को देख करके कई सारी चीज़ें जज्ब कर रहे होते हैं। और लकी फॉर अस की ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, तो किसी की तारीफ उसकी मुंह पे और ऑनेस्टी के साथ करने में हमको दिक्कत नहीं होती है। ऑलराइट, विजय जी आप कुछ कह रहे थे, कुछ उसमें आ गया कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कह दूंगा, कोई और पूछ लेगा तो कह दूंगा आप माइक मेरे हाथ में, मैं कह दूंगा। हाँ, और एक और चीज जो मैं यहाँ पे सारे हमारे मीडिया वालों को बताना चाहती हूँ, बाहर आउटसाइड वी विल हैव वन ऑन वन बाइट्स विद द एंटायर स्टार कास्ट, बट बिफोर दैट अभी फोटोज के लिए हमारे सारे एक बार हम ट्रेलर चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक FC80 के अंदर में मैंने एक बात कही थी जिसपे मेरी विक्रम ने और शीतल ने बहुत टांग खींची थी, सो बहुत सुंदर है वो, मैं बोलना चाहूंगा कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। क्या बात है। एक बार फिर से
लिंक पाठवली होती मी लक्षात ठेव आणि व्हिडिओ Thank you.
कॉम्प्लिकेटेड एरिया अरे वेरी नाइस एक सेकेंड भाई सब लोग का हो गया क्या नहीं तोड़ो यहाँ पे ऊपर नीचे मैडम जी एक मिनट मैम यहाँ पे चलो अन्ना क्या कर रहे हो अन्ना ये बोल रहा हूँ सर अभी सामने एकदम सामने मैम सर संजीव जी बड़े पर्दे पर ट्रेलर पहली बार कैसा लग रहा है आज बहुत ही अच्छा संजीव जी आप भी दिल्ली के ही हैं और दिल्ली में एक ऐसा मतलब अनोखा ऐसा अजूबा दिल्ली खुद एक शहर है जहाँ पे खूब सारे शहर एक साथ आ जाएं पर पुरानी दिल्ली क्यों कहानी बताने के लिए पुरानी दिल्ली के अंदर मैं पैदा हुआ था क्या पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ वहीं पे पला बड़ा 12वीं क्लास तक इस दरमियान इस सारे 18 सालों के दरमियान मैंने ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे जिनको देख के मैं सिर्फ देखता ही रह जाता था कि इनका दिमाग कैसे चलता है इनकी भाषा कैसी है और ये सोचते कैसे हैं ये अपनी लाइफ में हर मूव को करते कैसे हैं वहीं से और उस कहानी के लिए उस कहानी के साथ सच्चा होने के लिए पुरानी दिल्ली से बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती थी क्योंकि यही मैंने जाना था वहां पर और इन सारे कैरेक्टर्स में से ऑटोबायोग्राफिकल कौन सा है सबसे ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल सोना तो चलिए धीरे धीरे करके आपके कैरेक्टर से मुलाकात हो जाए मीडिया वालों से सबसे मुलाकात कराते हैं सबसे पहले आई'ड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर मनोज बाजपाई मनोज जी गुड इवनिंग सर आपके किरदार का नाम है पप्पी पर पप्पी इतने गुस्से में वो किसी को पप्पी तो देने नहीं वाला तो क्यों इतना हैरान परेशान है बेचारा पप्पी नहीं उसकी एक लव स्टोरी है और काफी डेस्परेट सा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करे लेकिन बीच में जो है हवलदार वो जो तेजपाल है वो पनौती बना हुआ है जिसके कारण उसको ये काम को अंजाम देना है और बाकी सारे के सारे जो चक्के हैं उसको लाइटली ले रहे हैं क्योंकि उनका कुछ भी स्टेक पे नहीं है लेकिन इसके लिए इसकी लड़की स्टेक पे है तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है काफ़ी और किसी का दिमाग उसके जैसे चल नहीं रहा है सिंक में मिलता नहीं है जिसके कारण उसे फ्रस्ट्रेशन होती है तो ये पप्पी गैंग लीडर है गैंग लीडर तो अब वो कहता है लेकिन तीन ही लोगों का है उधर उसका दूसरी तरफ का गैंग का वो जग्गी आ जाता है जो अपनी माँ बहन करा रहा होता है वहाँ पे तो सर ये जो आपकी पनौती है उनको भी बुला लेते हैं अब मीडिया से रूबरू कराते मिस्टर के मेनन के सर गुड इवनिंग सर दिल्ली वालों से यहाँ पर मुंबई में बैठे लोगों को भी बड़ा खौफ होता है कि बड़े कड़क होते हैं दिल्ली के पुलिस वाले तो ये जो तेजपाल है ये कड़क के साथ साथ काफी टेढ़ा भी है पागल सा आदमी है प्यार में है प्यार में पागल है तो तेजपाल आप का किरदार जो है पप्पी के लिए सबसे बड़ी पनौती है जैसा ट्रेलर में भी उन्होंने कहा आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है पूरे फिल्म में मेरा स्कूटर व्हाई इज दैट स्टार्ट ही नहीं होता था उसको स्टार्ट करने के लिए हमेशा जो उसके आसपास कैरेक्टर होता है वो उसमें किक लगाता है उसको पुश करता है तब जाके वो स्कूटर चालू होता है फैबुलस ऑलराइट अभी एक और कैरेक्टर द वन आई एम मोस्ट इंट्रिग्ड अबाउट इन दिस फिल्म कैन आई हैव अपॉन स्टेज
नमस्ते नमस्ते विजय जी. जग्गी जो किरदार है, इफ आई हैव रेड हिम राइट, उसको किसी का खौफ नहीं है, ना नर नारी का ना ऊपर वाले का. तो जग्गी के बारे में प्लीज हमें कुछ बताएं मीडिया को. इस पिक्चर में सबसे शरीफ कोई आदमी है अगर वो जग्गी है. नाम उसका जग्गी तिरछा है, वो शायद मेरे को देख के इसने, क्योंकि मैं टेढ़ा चलता हूँ, बट बहुत सीधे सीधे काम करता है बेचारा. बड़ा ही निहायत शरीफ आदमी, लेकिन समय का मारा हुआ है बेचारा. और कुछ जग्गी की फिल्म में कोई भी चाल जो है सीधी नहीं है, वो शतरंज के घोड़े के जैसा ढाई घर पता नहीं कहाँ से आता है. सो ये है जग्गी तिरछा फिल्म के अंदर. हमारी सात महीने जो है इस ये फिल्म सेंसर में इधर से उधर घूमती रही, उसका सबसे बड़ा कारण जो था जग्गी था. क्योंकि मैं ये मान सकता हूँ. All right, and now I would like to call upon stage Apar Shakti Khurana. Apar. Yeah. Mr. Khurana, अगर आपको real life में कोई जानता है पहचानता है तो सबको मालूम है कि आप एक निहायत ही पोलाइट और प्यारे किस्म के हमेशा खिलखिलाते रहते हैं इंसान. I try to be. तो ये खप्पे का किरदार आप, how did you become खप्पे for Saat Uchakkey? जो आपने पोलाइटनेस की बात करी ना, जो मैं फर्स्ट डे शूट पे पहुंचा तो वर्कशॉप वगैरह हो चुकी, सब कुछ सब एक दूसरे को जान चुके थे. तो मैं एंटर किया तो हग्गू एक और कैरेक्टर जो भी पहुंचा नहीं है, मैं व्हाट्सअप हग्स, उन्होंने उसका ये कैरेक्टर में ये लड़का अभी जीके नहीं बाहर निकला इसमें से, अभी ये साउथ, अभी भी साउथ ही व्हाट्सअप कर रहा है. उसके नेक्स्ट डे से सॉरी टू से मतलब सीधा ओ बैक क्या हाल है बहनशोद क्या हाल है हग्गू. दैट यू नो कट टू दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट. हाँ पोलाइट अपार शक्ति यहाँ से नॉट सो पोलाइट हो गया इसके बाद से. Very exciting, और yeah, very exciting. फिल्म की शूटिंग के दरमियान अगर कोई भी डल मोमेंट आता था तो ये अपार शक्ति खुराना थे जो कि एक गिटार लेके बैठ जाते थे और गाना गाते थे और सबको बहुत खुश और एंटरटेन रखते थे. थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी सर. सर अपार शक्ति खुराना के रेडियो के दिनों में हम बोला करते थे कि इनको माइक की जरूरत नहीं है, ये बिना माइक के ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ऐसी इतनी बुलंद आवाज है इस लड़के की. क्या बात है, सो मच. नाउ इन दिस एंटायर स्टार कास्ट द ओनली वुमन होल्डिंग हर ओन Aditi, good evening. Good evening. Very nervous? Yeah, kind of. आप लखनऊ की हैं. जी. और लखनऊ के लोग तो बहुत ही तमीज़दार ऐसा सुना है होते हैं. तो ये सोना जो घिया लौकी लेकर सब्जी वालों को हड़काती है भरे बाजार में, सोना के बारे में हमें बताएं. सोना जो है एक्चुअली जब संजीव सर ने मुझे बताया था मुझे ये सोना, जब मैंने ऑडिशन किया था मुझे लगता था सोना बहुत अलग है मुझसे. शी इज़ गॉन बी अ चैलेंज फॉर मी. और मुझे लगा कि मुझे मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, कितना चैलेंजिंग है. पर फिल्म करते करते फिल्म के दरमियान मुझे लगा अरे ये तो मेरी जैसी है. सो आई कम्प्लीटली रिलेट टू हर नाउ. एंड बहुत ही बहुत स्मार्ट लड़की है, अपने आप को बहुत सुंदर और सेक्सी समझती है और अपनी सेक्सुअलिटी को यूज़ करना आता है उसे. और पप्पी से प्यार करती है और वो भी चाहती है कि वो कुछ पैसे कमाए और कुछ होए लाइफ में. और तेजपाल को बेवकूफ बनाती है. और तेजपाल को बेवकूफ बनाती है. घर पे हलवा खिलाने के लिए बुलाते हो और तुम्हारी मम्मी जो है उनको बाहर से ही टरका देती है. फैंटास्टिक. संजीव जी, अपनी बाकी की स्टार कास्ट से भी प्लीज रूबरू कराएं मीडिया को. हाँ, सो ये अजी फोड़ू हैं कैरेक्टर हमारे, आइए विपुल बेग. सो विपुल विग जहाँ पे एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये एक बहुत अच्छे राइट्स का सीक्वल भी लिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इंटरेस्टिंग इंसान है ये. या सो थैंक यू संजीव भाई. कुछ आप बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? पहली बार संजू भाई ने मुझे स्क्रिप्ट दी थी तो एक तरफ मेरी मॉम सोई थी एक बेडरूम में, दूसरी तरफ मेरी वाइफ सोई थी. मैंने पहला पेज पढ़ा और फिर उन्होंने बोला कि यार 11 बज गए हैं रात के और लाइट बंद कर दीजिए. मैंने स्क्रिप्ट उठाई और किचन में चला गया और 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक मैंने एक भी पलक झपके बिना मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी. वो इतनी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट थी. मैंने संजू भाई को बोला कि संजू भाई ये स्क्रिप्ट जो है ना ये उतरी है, ये लिखी नहीं गई, ये उतरी है, ये कहीं से आई है. थैंक यू. तो ये एक जादू है स्क्रिप्ट का और वो बाकी आपने देख लिया ट्रेलर में. थैंक यू. बाकी का जादू आप फिल्म में देखेंगे. थैंक यू. इतना ही है ना. अरे थैंक यू. या बब्बे टशनी जतिन सरना,
ये बूट लेगर हैं, ये रेड फोर्ट के बाहर जो हैं फिरंगियों को पागल बना बना के अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। सो बब्बे आप बताइए, आपको मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताएं? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो जनपथ, लाल किला, इन साइड्स में मैंने बहुत ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया हुआ था, तो वो बड़ा इत्तेफाक रहा कि वैसा रोल मुझे करने को भी मिला। और टच नहीं है और बेचारा, लेकिन पैसे वैसे नहीं है उसके पास, और सबसे फट्टू है, तो वो इन सब के खेल में अपना एक उल्लू सीधा करना चाहता है, तो उस तरह का एक कैरेक्टर है वो, और जो सक्सेसफुल हो पाता है, नहीं हो पाता है, वो आप फिल्म में पूरा देख पाएंगे उसे। थैंक यू संजीव जी, आपकी स्टार कास्ट में आज दो एक्टर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, अनु जी और अनुपम जी, तो प्लीज उनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ मीडिया को बताएं। हाँ, एक सात उचक्कों के अंदर में हग्गू और हैं जो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, उनकी फ्लाइट जो है लेट हो गई थी और वो सोच रहे थे कि खुद से ही उड़ाना शुरू कर देंगे। सो लेट्स सी। सो अनु कपूर जी जो हैं इस फिल्म के अंदर में, आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सरप्राइज करने वाले बिच्छी। हैं, बिच्छी उनका कैरेक्टर है। सो उनके कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक ट्विस्ट है, या सो वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ही हैज़ परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। सो और उनके अलावा अनुपम खेर साहब, या सो उनका जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी पिविटल है इस फिल्म के लिए। सो वो दीवान साहब हैं जिनकी हवेली के अंदर में ऐसा माना जाता है कि लाल किले से खजाना जो है लाके रखा गया था, और वो अभी भी उनकी हवेली में हैं। और ये महाशय जो हैं पप्पी जाट वाला, ठीक है, ये बिच्ची के कुछ कथन के ऊपर जो है 2+2=4 करके डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ खजाना है, और वो अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो अंदर होता है वो ट्रूली एक मैजिकल रियलिज्म का एग्जाम्पल है। सो वो सब आप फिल्म में देखेंगे ही। या सो अनुपम खेर जी ने भी बहुत ही सुंदर काम किया है, एंड इज बीन लाइक वंडरफुल ऑल थ्रू आउट। या अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एंटायर कास्ट ऑफ सात उचक्के स्टैंडिंग राइट हियर। एंड इससे पहले कि हम फोटोज के लिए आमंत्रित करें हमारे मीडिया वाले भाई को, लेट्स मीट द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, एवरीबॉडी हुज पुट देयर वेट बिहाइंड सात उचक्के। सो आईड लाइक टू कॉल अप ऑन स्टेज फ्रॉम फ्राइडे फिल्म वर्क्स इफ मिस्टर नीरज पांडे इज प्रेजेंट हियर। He's not here yet. Also from Friday Film Works, Sheetal. Joining him, I'd like to call up filmmaker, CEO of Wave Cinemas, Mr. Rahul Mitra. Rahul ji, please. Hi, Rahul. Rajneesh Khanuja, agar wo aaye hain, abhi nahi pahunche hain. And from Crouching Tiger, of course, Mr. Vikram Malhotra. राहुल जी, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग नियरेस्ट टू मी राइट नाउ, मैं आपसे ही सवाल पूछ लेती हूँ। सात उचक्के में, मूवी में, स्क्रिप्ट में और पूरी स्टार कास्ट, एवरीथिंग, व्हाट वाज इट अबाउट द फिल्म कि आपने डिसाइड किया कि पूरा अपना वेट लगाया जाए सात उचक्के के पीछे, वेव सिनेमास का? जैसे आप देख रहे हैं मेरा काफ़ी वेट है, एंड इट हेल्प्स टू थ्रो एट टाइम्स आल्सो। एनीवे, आपने मेरा ख्याल कह ही दिया है, यू नो, सच अ स्टेलर कास्ट, दिस क्वर्की वर्ल्ड ऑफ सात उचक्के, और इतना ही कंटेंट ड्रिवन सिनेमा जिसको हम भी चाहते हैं कि विक्रम सर इधर आइए। तो आई थिंक कंटेंट, आजकल कंटेंट और बॉक्स ऑफिस की जो मैरिज है उसी के लिए हम कुछ प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो सब कोशिश कर रहे हैं, और हमें मालूम था कि इस तरह की फिल्म ऑडियंसेस बहुत पसंद करेगी, उनको अच्छा लगेगा, और इसीलिए वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। सेंसर बोर्ड का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, सेंसर बोर्ड को ये बताया गया कि ये जो जुबान है ये उन किरदारों की जुबान है। सो आई थिंक व्हेन दे अंडरस्टूड दैट दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड आई लाइक टू से ऑन रिकॉर्ड दैट सेंसर बोर्ड एंड ट्रिब्यूनल वी वर वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ द फिल्म, एंड ईच वन ऑफ द पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस फिल्म। आप सब लोग जाके देखें, एंड हम यही आशा करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संजीव जी, एक सवाल आपके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, कि ये ऐसी फिल्म जो शुरुआत में शायद आपको लगा होगा कहीं ना कहीं कि इस पे आपत्ति करेगा सेंसर बोर्ड या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोड्यूसर्स के पास ले जाते हुए इस फिल्म को, या प्रोड्यूसर्स से मुलाकात करते हुए उनको अपनी फिल्म तक लाते हुए, कितने, क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही नेचुरल कोर्स के अंदर में अपना सब कुछ गया। नीरज पांडे जो हैं वो बहुत ही प्रिय मित्र हैं, सो उनको जाके मैंने वो स्क्रिप्ट दिखाई,
सो शीतल और नीरज ने वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बोला कि इसको हम बनाएंगे या सो कोई हेजिटेशन उसमें नहीं था एंड फिर उसके बाद वेव सिनेमास की तरफ से भी किसी भी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं आया और वो एकदम पूरे फ्लो के साथ सारा काम आगे गया या सो ऑल ऑफ देम हैव बीन लाइक वेरी वेरी सपोर्टिव एंड विक्रम आई कांट से इनफ फॉर हिम सो इन अ गुड वे या एंड सेंसर के बारे में जो राहुल ने जो बताया एक बहुत ही सुंदर बात है मैंने सेंसर के बारे में सुना था कि वहाँ पे जल्लाद लोग बैठते हैं सब कुछ ऐसा सुन के मैं गया था बट द एक्सपीरियंस वॉज सो गुड लाइक CBFC के अंदर में उन लोगों ने फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद जब हमको अंदर बुलाया तो उन्होंने पहले ही सेकेंड में बोला कि इस फिल्म को हम सर्टिफाई नहीं कर सकते उसके रीजंस ये हैं जो कि हमको समझ में आए मैं और विक्रम वहाँ पे थे उसके बाद 15 मिनट तक उन लोगों ने फिल्म की तारीफें की फिल्म के सारी परफॉर्मेंसेस की एक्टर्स की सारे फिल्म के एलिमेंट्स की और FCAT के अंदर में भी यही रहा कि उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने बोला कि इस फिल्म को हम रोकना नहीं चाहते हैं आप अपने आप से वॉलेंटरी इसके अंदर में मॉडिफिकेशन करके लाइए सो आप ये समझ लीजिए कि उन लोगों ने अपना वहाँ पे कुछ चलाया ही नहीं हम पे सब छोड़ दिया फिर हम करके लेके गए एंड दे एक्सेप्टेड इट आई थिंक आई आल्सो लाइक टू ऐड हियर दैट देयर इज नथिंग व्हिच इज डेरोगेटरी इन द फिल्म एवरीथिंग इज वो कॉन्टेक्स्ट के साथ है ये सात उचक्के हैं इनकी वो दुनिया है इनकी जुबान है और लोग इसको बहुत सराहेंगे Fabulous. और ये जो बाहर दिल्ली का माहौल जो पूरा सजा हुआ है बाहर चाट पकौड़ियों के साथ उसके लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं हमारे पार्टनर्स श्रीनाथ जी को यस मैम हम अभी करेंगे बिल्कुल करेंगे जी बिल्कुल भाई अरे ऐसे कैसे तो थैंक यू बोल दो श्रीनाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेटिंग अप दैट होल दिल्ली एटमोसफेयर आउटसाइड फॉर अस एंड नाउ वी आर ओपनिंग द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स कैन वी हैव अ माइक गोइंग अराउंड मनोज जी यहाँ पे मनोज जी नमस्ते सबको नमस्ते मनोज जी आपसे ही मैं पहला सवाल मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से भी करना चाहूँगी लेकिन पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगी सबसे पहले तो आपको बहुत सारा अभिनंदन बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है बहुत अच्छे रोल्स आप कर रहे हैं लेकिन मेरा सवाल ये है कि सालों पहले बैंडिट क्वीन आई थी वो फिल्म भी एक बहुत ही बोल्ड फिल्म थी एक सच्ची कहानी पर थी बहुत कुछ था उस वक्त से लेकर अब तक जैसे अभी आपने कहा कि 7 महीने ये फिल्म सेंसर बोर्ड के उसमें थोड़ी इनके कैरेक्टर की वजह से थोड़ा सा उसको तकलीफ हुई है तो आपने इतने बीते सालों में सेंसर बोर्ड का जो एटीट्यूड है उसमें आपने क्या फ़र्क देखा है बैंडिट क्वीन से लेकर के 7 उचक्के तक मुझे जबकि मैं हमेशा ये मेंटेन करता रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड चाहे वो कोई भी आए कोई भी जाए सेंसर बोर्ड अपना काम करता है अपने जो उनके गाइडलाइंस होते हैं उसके हिसाब से उसमें कभी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है इसलिए मैंने कभी व्यक्ति के बारे में आज तक बात नहीं की मेरा मसला हमेशा दूसरा रहा है कि क्या सेंसर बोर्ड सर्टिफाई करे या सेंसर बोर्ड हमें क्लासिफाई करे इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है एंड ऑल्सो जो श्याम बेनेगल जी का रिकमेंडेशन है आई रियली होप कि यू नो जितनी जल्दी हो सके उसको लागू किया जाए सो दैट जो फिल्म मेकर्स और जो सेंसर बोर्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट लगातार कई सालों से हो रहा है चाहे वो जो बैंडिट क्वीन का नाम ले रही हैं आप या हाल फिलहाल तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा जब तक हम मॉडर्नाइज नहीं करेंगे रिकमेंडेशंस को रेगुलेशंस को गाइडलाइंस को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे उसको आज के हिसाब से नहीं रखेंगे तब तक फिल्म मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच में चाहे वो कोई भी आए वो आदमी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है जब तक सेंसर बोर्ड का रोल आप डिटरमिन नहीं करेंगे और रिकमेंडेशंस नए मॉडर्न तरीके से नहीं लेके आएंगे तब तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा लकली जैसा कि राहुल ने कहा या विक्रम ने कहा और संजीव ने कहा विद दिस फिल्म दिस काइंड ऑफ अ फिल्म जहाँ पर हम चाहते थे कि लैंग्वेज उसी तरीके की हो जिस तरीके के कैरेक्टर्स हैं और जिस तरीके की जगह है और जो हालात हैं और उसके हिसाब से अगर आप देखिए तो हमें एक फॉर अस इट वाज अ केक वॉक हमें उस तरीके से परेशानी कभी नहीं झेलनी पड़ी हमारे ऊपर छोड़ा गया था तो जब हमारे ऊपर ट्रिब्यूनल ने छोड़ा था तो जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई थी कि हम ट्रिब्यूनल को नाराज़ नहीं करें या ट्रिब्यूनल को हम डिससैटिस्फाई नहीं करें लेट्स बी आर ओन जज
एंड फिल्म को हम उस तरीके से देखें कि हम फिल्म में और क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल ने अगर ये जिम्मेदारी दी है तो इसको लेकर के समय लगा है। एज़ फार एज जिसे कहें कि चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट कर दी गई और हम मर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इट वॉज़ अ जर्नी दैट टुक टाइम ओनली बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर्स ओन क्रिएटिव कॉल, नहीं तो बाकी सब चीज़ें काफ़ी आसान थी। प्रोड्यूसर साहब से भी मैं पूछना चाहूँगी सर, जैसे आपने कहा कि आप पर उन्होंने छोड़ा, आप पर निर्भर उन्होंने रहने दिया कि आप उसमें से क्या रखें, तो एक पिछले दिनों बहुत सारा मीडिया और सारी सबको पता है कि बहुत सारी फिल्मों को लेकर के बहुत ज़बरदस्त विवाद हुए हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी सर, आपने क्या कट्स थे जो आपने नहीं रखे, आपने जैसे अपनी फिल्म को उनको जो उस पर आपत्ति नहीं हुई, वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने फिर काट दी और आपकी फिल्म भी मतलब उस पर उसका कुछ असर नहीं पड़ा? मैं चाहूँगा विक्रम और संजीव। जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया जिनको लेके विवाद हुए थे पिछले कुछ महीनों में, सही या गलत, उनके जो मुद्दे थे वो मुद्दे हमारी फिल्म में मौजूद नहीं थे। हमारी फिल्म को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने जो हमारे को सजेशंस दिए वो बाय एंड लार्ज लैंग्वेज को लेकर थे, और उनकी आपत्ति भी लैंग्वेज को लेकर थी, जो हमने वॉलंटरीली अपने ऊपर ये दायित्व लेते हुए कि उस भाषा को डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट वर्ड आप मुझसे सुनना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा नहीं, उस भाषा को उस हिसाब से ट्वीक करें कि हर वाक्य का, हर डायलॉग का, हर कैरेक्टर का जो महत्व और मतलब है वो रह जाए, लेकिन साथ में जो कंप्लायंस है कि आज ये देखना पड़ता है गालियाँ जो हैं वो सिर्फ गालियों के तौर पर नहीं हैं, वो ऑफेंसिव ना हो जाएं, किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, संगठन के खिलाफ ना हो जाएं, ये सब देखते हुए उसको ट्वीक किया गया था। लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि इतने सपोर्टिव थे हमारे को ट्रिब्यूनल में, जब दूसरी बार और फाइनल बार हम लोग गए वो वॉलंटरी कट्स उन्होंने सराहे और इमिजिएटली सर्टिफिकेट इशू किया। सर कितने कट्स थे? हमारी फिल्म में टोटली 176 डिस्कशंस थे, जिसमें से 60% अलाउ हुए हैं और रेस्ट हमने खुद से कट्स लेकर मॉडिफाई किया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक भी जगह ना बीप हुआ ना म्यूट हुआ। फुल क्रेडिट टू संजू कि किस तरीके से इन्होंने वो लैंग्वेज को रिप्लेस किया और सब कुछ रिटेन किया। थैंक यू सर। वेलकम। मॉडिफिकेशंस, नो कट्स। क्वेश्चंस? मनुष्य प्रभात एएनआई से। सर नितिन भसीन जिन्होंने हग्गू का किरदार फिल्म में बनाया है, ये फिल्म के अंदर में लॉकस्मिथ थे। हाँ, सब तरीके की चाबियाँ ये बनाते हैं, और जिस तरीके की भी चाबी हमारे उचक्कू को चाहिए थी उन्होंने बना के दी। सो आज प्लेन की भी बनानी पड़ी। सो हम आपके ऊपर लौट के आते हैं। मनुष्य, अच्छा नहीं, आप बोलेंगे? सर जब बात आपकी आती है अभिनेता के तौर पे, आपको याद किया जाता है सत्या और सूल जैसी फिल्मों के लिए, तो कॉमेडी जो जॉनर होता है उसमें आप काम कर रहे हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो कितना डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग होता है, और माना जाता है कि कॉमेडी करना सबसे मुश्किल होता है, आप कितना? पता नहीं किसके लिए कॉमेडी करना, सीरियस रोल करना आसान होता है और कॉमेडी करना मुश्किल होता है। मेरे लिए एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, वो चाहे एक्टिंग चाहे किसी भी जॉनर में हो, और मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये। वो जॉनर चाहे अलग हो सकते हैं, मेहनत उसी तरीके की लगती है, दिमाग उसी तरीके का लगता है, परेशानी उसी तरीके की होती है, और जब अच्छा काम होता है तो खुशी उसी तरीके की मिलती है। अब इसको इन्जॉय किया हमने, ये कहें कि इसके लिए कैरेक्टराइजेशन नहीं करना पड़ता है या आप सेट पे जाते हैं और जैसे ही डायलॉग मिलता है आप शुरू हो जाते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं। चाहे वो के हो, चाहे मैं हूँ, चाहे विजय, हम सब लोग जो हैं कितने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक्टर ये नहीं कह सकता कि कोई एक जॉनर जो है वो आसान है और दूसरा जो है उससे कम है। और जो भी लोग किसी भी जॉनर में ज़्यादा अच्छा करते हैं ये उनको पूरी उनकी सराहना करनी चाहिए।
इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हम मेरे लिए, मैं दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली में थिएटर करता था, लेकिन पुरानी दिल्ली इतना आना जाना होता नहीं था, लेकिन जो भी जान सुना था या थोड़ा बहुत जो देखा था या जो जा कर के वहाँ पर फिल्म के पहले जा कर के देखा या संजू से जो चीज़ें ली, जो बाकी विजय उग्र को देखता था, क्योंकि विजय तो वहाँ पैदाइश है, तो विजय उग्र से भी काफ़ी, या फग्गू हुआ, जतिन हुआ, इन सब लोगों से जो चीज़ें देखता था उसको आप ऑब्जर्व करते रहिए, एक्टर्स फीड ऑफ ईच अदर, तो वो चीज़ें सीखना, फिर उसको वहीं पर करना, तो माइंड को बहुत अलर्ट रखना पड़ता है, चाहे आप किसी भी तरीके की फिल्म कर रहे हैं, कॉमेडी हो, सीरियस हो, चाहे आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर कर रहे हैं, उसमें दिमाग तो लगता है, मेहनत भी लगती है। बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं आई, क्योंकि ये सब के सब लोग जो हैं इतने 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 प्रोफेशनल लोग हैं, एंड ऑल ऑफ देम वर लाइक फुली देयर, और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। विजय कह रहा है कि पुलिस का भी बंदोबस्त था वहाँ पे। सर मेरा सवाल यही है कि आपने इन सात उच्चकों को यहाँ पर, सर ट्रेलर बहुत अच्छी है, पता नहीं पिक्चर कैसे होगा। बहुत अच्छा होगा। तो ये मेरा प्रश्न है कि आप सात उच्चकों को कैसे हैंडल किया एक ही साथ में इस मूवी में? जैसे कि मैंने बताया कि किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आई, जब चीज़ें अपने ही डायनेमिक्स में अपने आप चलती हैं, सो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सो मेरे जो सारे एक्टर्स को जो एक डायरेक्टिव था ये कि हम कॉमेडी फिल्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर मेकिंग अ सीरियस फिल्म, सो यू गॉट टू बी लाइक ट्रूथफुल टू योर कैरेक्टर। सो उसके बाद जो अपने उसके डायनेमिक्स चले हैं, तो कोई फिल्म का सीन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगी। सो सारी की सारी फिल्म जो है इम्प्रोवाइज फिल्म है जो कि आप देखेंगे, सो तकलीफ किसी भी तरीके की नहीं रही। तो द फ्लो ऑफ द मूवी वाज कंटीन्यूअस, ऐसे कहीं नहीं लग रहा कि टेक रीटेक ऐसा है, तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट बताइए आपको रीटेक पे रीटेक करना पड़ा ऐसे इन सातों में से? इन सातों में से रीटेक पे रीटेक करना पड़ा उस एक शॉट के लिए? एक शॉट के लिए, एक वो टेक्निकली एक शॉट ऐसा था जहाँ पे हमको काफ़ी रीटेक करने पड़े, जहाँ पे अल्टू नाम के किरदार हैं जो कि अपने कुत्ते के साथ में घूमते रहते हैं, और उन्हें जग्गी से जो है कुछ पैसे लेने हैं, जग्गी ने उनके साथ कुछ स्कैम किया था, सो वो फिल्म में वो पैसे मांगते हुए ही दिखाई देते हैं। सो एक सीन था ऐसा जहाँ पे ये छत पे चढ़ रहे हैं, और वो बहुत ही संकरी गली थी, और उस संकरी गली के अंदर में वो ये जग्गी का कैरेक्टर जो है आगे आ रहा है, वो पीछे से उसको फॉलो करता हुआ आता है कि तू मेरे पैसे कब देगा। सो दैट वॉज द टेक्निकल शॉट जहाँ पे हमारे कम से कम नहीं तो 15-16 रीटेक हुए, अदरवाइज इट वॉज लाइक द फिल्म वॉज फ्लोइंग ऑन इट्स ओन द एंटायर शूटिंग। या सॉरी, बाकी मतलब कोई कैरेक्टर कोई एक्टर इस बारे में कुछ बोलना चाहे? सर जी जी सर, मेरा नाम है सुरेश मेहता, बॉलीवुड वेब टीवी यूएसए से। मेरा ये क्वेश्चन है, आपकी ये फिल्म ट्रेलर देख के कॉमेडी तो है, हंसाएंगे लोगों को, लेकिन इस फिल्म के द्वारा मनोज जी ने, आपने और पूरी टीम को आपको बधाई है, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन इससे क्या मैसेज है इस फिल्म से? इस फिल्म के अंदर जो मैसेज है वो आपको फिल्म देख के मिलेगा। फिल्म के अंदर में एक बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल और एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज भी है, वो आपको फिल्म देख के मिलेगा। सो वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसे। ओके सर। सो अपने इस सारे एंटरटेनमेंट क्वेश्चन के अलावा फिल्म जो है अपने फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो आप महसूस करेंगे जब फिल्म देखेंगे। सर मेरा सवाल आपसे, उचक्का शब्द आपने कहाँ से लिया? ये जनरली भोजपुरी अवधि में बोलते हैं। पुरानी दिल्ली की फिल्म है, पुरानी दिल्ली के अंदर में बहुत ही ज़्यादा लोकल पार्ला में इसको बोला जाता है, चोर उचक्के जो होते हैं। सो चोर जो हैं वो थोड़े सीरियस होते हैं, उचक्के जो है वो पेटी थीव्स होते हैं, ठीक है, थोड़े कम सीरियस चोर होते हैं। सर बेवकूफ़ बोल दीजिए। हाँ, थोड़े से बेवकूफ़ चोर होते हैं। या ओके, समवन हैड अ क्वेश्चन देयर। सर आप बोल दीजिए, खड़े होकर बोल दीजिए।
प्लीज गो राइट अहेड. यार ये मेरे ख्याल से सिनेमा के इतिहास में हिंदुस्तान में बाहर नहीं अब तक की पुरानी दिल्ली में कोई फिल्म जो सेट की गई है ये सबसे ऑथेंटिक फिल्म है अब तक के इतिहास में. मतलब ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है जिसका बैकड्रॉप पुरानी दिल्ली हो. मतलब बनी ही नहीं है. अगर कोई मुझे दिखा दे मैं देखूंगा. है ना. तो ये वजह थी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. और मतलब जितना आनंद जो आया है कि मतलब वही वाली बात है कि देख के देख तो मजा आएगा. मतलब खतरनाक वाला ना खतरनाक वाला मजा आएगा. तो यही वजह है कि मैं जुड़ गया. थैंक यू. कम फिल्में हैं जो मैं एंजॉय करता हूँ. मैं बड़ा मुंह फट हूँ इस मामले में. 80% फिल्में मैं एंजॉय नहीं करता हूँ जो मैं काम करता हूँ. और कुछ फिल्में हैं जिसको मैं सराहता हूँ जिसको मैं जीता हूँ. उनमें से एक ही एक फिल्म है. तो हम जा रहे थे कि कोई ना कोई हंसाए यार. कोशिश इसी बात की थी. अगर विजय कर रहा था तो हमारे लिए जो है और अच्छी बात थी. कहते हैं कि फिल्म में कोमल नाटा साहब यहाँ बैठे हैं और ये जो है मुंबई इंडस्ट्री में मैं सुनता आ रहा हूँ कि अगर पुरानी कहावत है कि अगर 10 क्लैप ट्रैप है ना तो फिर आप फिल्म को चलने से कोई रोक नहीं सकता. सट है. एक मनोज भाई एक चीज़ और होती है ना कि जब लोग बैठे हैं सारे दोस्त लोग हैं किसी एक ने चुटकुला सुनाया सब लोग हंसे तो बाकी लोग उससे ईर्ष्या थोड़ी करते हैं. कैसे करेंगे. नहीं और दूसरी बात क्या है और दूसरी बात क्या है कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई मस्ट से कि जो एक्टर्स होते हैं ना वो बड़े सेल्फिश टाइप के होते हैं. वो सेल्फिशली एक दूसरे से सीख रहे होते हैं. तो भले ही वो बताए नहीं लेकिन चूंकि हम लोग कुछ अलग एजुकेशन से आते हैं अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो यहाँ पे बता के भी हम सीख लेते हैं कि चाहे विजय राज हो चाहे केके हो या फिर जो ये जितने सारे अदिति और अपार शक्ति जतिन विपुल और ये नितिन हम लोग लगातार जो है ना एक दूसरे को देख करके कई सारी चीज़ें जज्ब कर रहे होते हैं. और लकी फॉर अस की ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड तो किसी की तारीफ उसकी मुंह पे और ऑनेस्टी के साथ करने में हमको दिक्कत नहीं होती है. विजय जी आप कुछ कह रहे थे कुछ उसमें आगे कहना चाहते हैं. नहीं मैं कह दूंगा कोई और पूछ लेगा तो कह दूंगा. आप माइक मेरे हाथ में मैं कह दूंगा. हाँ और एक और चीज जो मैं यहाँ पे सारे हमारे मीडिया वालों को बताना चाहती हूँ बाहर आउटसाइड वी विल हैव वन ऑन वन बाइट्स विद द एंटायर स्टार कास्ट बट बिफोर दैट अभी फोटोज के लिए हमारे सारे एक बार हम ट्रेलर चला सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. एक FC-80 के अंदर में मैंने एक बात कही थी जिसपे मेरी विक्रम ने और शीतल ने बहुत टांग खींची थी. सो बहुत सुंदर है वो मैं बोलना चाहूंगा कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के. क्या बात है. एक बार फिर से
Yeah.